NTAUGCNET, Yanin ImageNet. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल ImageNet Pro पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वेरिएबल इन रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के चर क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। रिसर्च को अच्छे से जानने के लिए दोस्तों हमें वेरिएबल के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चर का आपको नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि ImageNet है तो जीआरएफ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसंधान के चर क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल आर एनीथिंग कैन इफेक्ट और चेंज द रिजल्ट ऑफ स्टडी, यानी कि वेरिएबल कुछ भी चीज़ हो सकती है जो स्टडी के रिजल्ट को चेंज करे। एवरी स्टडी हैज़ वेरिएबल एज दीज आर नीडेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिफरेंस, यानी कि स्टडी के अंदर चर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उसके डिफरेंस को समझ सकें। और अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो दोस्तों चर क्या होते हैं, चर को हम किसी भी वस्तु, घटना, विचार इत्यादि से परिभाषित कर सकते हैं जिसकी कुछ मात्रा हो या फिर जिसका कोई गुण हो। यानी कि दोस्तों चर जो है, चर कुछ भी हो सकता है, जैसे भूकंप हो गया, बीमारी होगी, नमक हो गया, नियम, गाड़ी इत्यादि, जो भी चीज़ दोस्तों जो दूसरी घटना को प्रभावित करती हो, किसी चीज़ को इफेक्ट करती हो, उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे दोस्तों। और इसके अंदर चर में क्या होता है दोस्तों, चर या तो खुद प्रभावित होगा या फिर वो किसी दूसरी चीज़ को प्रभावित करेगा, ये होता है इसके अंदर। और चर के अंदर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया दोस्तों, एयर पोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा, हमारे डिजीज बढ़ जाएंगी, बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि मान के चलिए स्टूडेंट ज़्यादा सोएगा तो उसका स्कोर जो है वो इफेक्ट करेगा, कम ज़्यादा उसका स्कोर होगा एग्जाम के अंदर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, उससे क्या है दोस्तों, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने से क्या है दोस्तों, बुखार हो सकता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ वेरिएबल। देखिए मुख्य रूप से इसके अंदर जो वेरिएबल है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह के चर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये किसी अन्य को प्रभावित करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के जो चर होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये दूसरी किसी चीज़ को इफेक्ट करते हैं। और इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है, वो एग्ज़ाम के अंदर भी आ चुकी है, द वेरिएबल दैट रिसर्चर चेंज और द रिसर्चर थिंक इट विल इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि स्वतंत्र चर वो होता है दोस्तों, वो चीज़ होती है जिसकी मात्रा को रिसर्चर कम या ज़्यादा कर सकता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है, उसकी घटना को चेंज करता है, प्रभावित करता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आश्रित चर की बात करते हैं। आश्रित चर, यह चर कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि यह किसी अन्य से प्रभावित होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये किसी अन्य के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया तो बुखार की दवाई उस व्यक्ति को अच्छा कर सकती है, यानी वो व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। बुखार की दवाई क्या है दोस्तों, वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बुखार क्या है, वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर है, दवाई के ऊपर है। अगर व्यक्ति को अच्छी दवाई देंगे तो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए दोस्तों,
द वेरिएबल दैट इज इफेक्टेड बाय द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने के कारण चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक कैनी है जिसके अंदर हमने कुछ पानी डाला हुआ है और इसके अंदर ये देखिए एक्स एक्स नाम से कोई फर्टिलाइजर है, यानी कि कोई दवाई लेते हैं, कुछ खाद ले लेते हैं हम ठीक है। और ये जो दवाई है, फर्टिलाइजर है, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों। और ये जो पौधा है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये दवाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, अगर हम दवाई, अच्छी दवाई डालेंगे तो पौधा क्या है, जल्दी ग्रो होगा, और खराब दवाई डालेंगे तो पौधा खराब हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो इसके अंदर दोस्तों, अगर हम दवाई की मात्रा बहुत कम डालते हैं, मान के चलिए 10 ग्राम डालते हैं, तो क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा पौधे के ऊपर। अगर हम यही दवाई मान के चलिए 200 ग्राम कर देते हैं तो हो सकता है पौधा बहुत जल्दी हमारा ग्रो हो। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि जो हमारा फर्टिलाइजर है यहाँ पे, जिसकी मात्रा को हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और इस फर्टिलाइजर की वजह से, कम ज़्यादा करने की वजह से पौधे में जो चेंजेस आ रहा है वो क्या हो गया दोस्तों, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। पौधा किसके ऊपर डिपेंड है, वो हमारा फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है मध्यवर्ती चर। इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते, लेकिन यह चर स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच शामिल होता है। यह चर इन दोनों के बीच होने वाले संबंध के बारे में बताता है। दोस्तों इस तरह का जो चर होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन ये इन दोनों के बीच में होता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम बच्चे ने खाई, बच्चे ने खाने से क्या हुआ, बच्चे को बुखार हो गया, और बुखार होने से क्या है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाया और वो फेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आइसक्रीम और अगर हम स्कूल का संबंध देखें, आइसक्रीम और बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, इसके बीच में क्या है दोस्तों, इसके बीच में है कि बुखार हो गया। आइसक्रीम खाने से बच्चे को बुखार हो गया, बुखार हो गया वो हमारा क्या है दोस्तों, इंटरव्यूइंग वेरिएबल है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है मॉडरेट वेरिएबल है। मॉडरेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, यह वेरिएबल स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंधों को सुधारने का काम करता है, यानी कि मॉडरेट करता है इनके रिलेशन को। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलते कि हमारे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा, दोनों बच्चे मान के चलिए 5-5 घंटे पढ़ते हैं, दोनों बच्चे 5-5 घंटे पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा आवर ऑफ स्टडी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दोनों बच्चे 5-5 घंटे पढ़ते हैं, और लेकिन एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर क्या है, एक बच्चे के तो 60% मार्क्स आते हैं, दूसरे बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात आना है कि दोनों ने इक्वल पढ़ा, सेम स्टडी की, लेकिन फिर भी एक बच्चे के 60% नंबर आए और दूसरे के 90% नंबर आए, तो इसके बीच में जो मॉडरेट वेरिएबल है दोस्तों वो होगा आईक्यू लेवल, उनका मॉडरेट वेरिएबल होगा। देखिए हो सकता है किसी एक बच्चे का, जिसका जिसके 60% आए उसका आईक्यू लेवल कम हो, 90% जिसके नंबर आए उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके अंदर जो आईक्यू लेवल है वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉडरेट वेरिएबल हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नियंत्रित चर, कंट्रोल वेरिएबल। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं यूजीसी नेट के अंदर। इसको समझते, इसका मीनिंग क्या है और क्या मतलब है इसका, आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नियंत्रित चर की, कंट्रोल वेरिएबल की। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, आप देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यह वैज्ञानिक प्रयोग में एक नियंत्रण चर एक प्रायोगिक तत्व है, यानी कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर काम आता है, जो निरंतर जाँच के दौरान
निरंतर और अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट रहता है और अनचेंज्ड रहता है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है दोस्तों वो एक समान रहता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, उसकी मात्रा में या किसी चीज में भी कोई चेंजेस नहीं आता, वो क्या होगा हमारा कॉन्स्टेंट यानी कि एक समान रहना, और अनचेंज यानी कि उसके अंदर कुछ भी चेंज ना आना, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो हमारा कंट्रोल वेरिएबल होगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से वही एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने देखा था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है, एक्स फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर हम इसके अंदर स्प्रे मान के चलते हैं, ठीक है। स्प्रे की मात्रा को हमने कम ज़्यादा किया था, यानी कि पहले हमने 10 ग्राम डाली, फिर 200 ग्राम डाली, उससे क्या हुआ कि हमारा पौधा कम ज़्यादा ग्रो हुआ, ठीक है। जो फर्टिलाइजर है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उसकी मात्रा को कम ज़्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल क्या है। देखिए कंट्रोल वेरिएबल इसके अंदर पानी है दोस्तों, पानी हमने 1 लीटर ही रखा है। पानी पहले भी 1 लीटर था, जब हमने 10 ग्राम स्प्रे डाला तब भी 1 लीटर था, और उसके बाद में जब हमने 200 ग्राम स्प्रे डाला उसके तब भी हमारा पानी कितना था, 1 लीटर था। यानी कि पानी की अगर इसके अंदर बात करें तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल वेरिएबल होगा। यानी कि कंट्रोल वेरिएबल जैसा कि हमने ऊपर भी बताया था आपको कि ये कॉन्स्टेंट होता है, अनचेंज्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पानी की मात्रा को कम ज़्यादा नहीं किया, पानी 1 लीटर ही रखा हमने, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने फर्टिलाइजर की मात्रा को कम ज़्यादा करके देखा उससे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ से कि कंट्रोल वेरिएबल का मतलब क्या होता है। आगे हम बात कर, और इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, यह स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करता है और कुछ अपने आप में कुछ भी बदलाव नहीं होने देता, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और आगे हम बात करते दोस्तों कन्फाउंडिंग वेरिएबल की, बात करते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट हैव ए हिडन इफेक्ट ऑन यूर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसका हिडन इफेक्ट होता है हमारी स्टडी के ऊपर। और इस जैसा इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए बच्चे ने आइसक्रीम खाई है और हो सकता है भगवान ना करे आने वाले टाइम में उस बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो और वो हमें बाद में जाके पता चले और हम सोचे कि ये पता नहीं क्यों हो गई है, तो यानी कि ऐसी चीज़, ऐसा वेरिएबल जिसका हिडन इफेक्ट हो हमारी स्टडी के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे, कन्फाउंडिंग वेरिएबल कहेंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं लैटेंट वेरिएबल। देखिए इस तरह के चर को हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते और ना ही इसको माप सकते, लेकिन इसको हम दूसरे चर पे होने वाले इफेक्ट से जान सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए एक पिता है और एक माँ है, दोनों के दोनों इंटेलिजेंट है और उनका जो बच्चा है वो भी इंटेलिजेंट हुआ, तो इसका हम क्या देख सकते हैं भाई, माँ बाप का बच्चों पे, बच्चे पे इफेक्ट तो पड़ रहा है भाई, माँ बाप के इंटेलिजेंट होने से बच्चा भी इंटेलिजेंट है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि माँ की इंटेलिजेंसी बच्चे में कितनी है और बच्चे जो बाप की इंटेलिजेंसी बच्चे में कितनी है, ये हम पता नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा लैटेंट वेरिएबल हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मैनिफेस्ट वेरिएबल। ये मैनिफेस्ट वेरिएबल या चर ऐसा है जिसे सीधे तौर पर मापा या मनाया जा सकता है। इसका उपयोग लैटेंट वेरिएबल की मौजूदगी जानने के लिए किया जाता है। अब मान के चलिए, इसका भी मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए एक जो बाप है वो काले रंग का है, माँ है गोरे रंग की है, बच्चा काले रंग का हुआ, तो हम पता कर सकते हैं ना कि बच्चा काले रंग का किस वजह से हुआ, बाप की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, हम सीधे तौर पे उसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से वो मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर वाला कि इंटेलिजेंसी, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको हम सीधे डायरेक्ट तौर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल निमिज नेट प्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।